अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल मेमोरीज। आज हमारा और अदनान का और हमारे सब दोस्तों का प्लान बना हुआ है नूरी वाटरफॉल जाने का। तो अदनान भाई, ये हमारे मेहरान साहब हैं, और ये हम सब आज जा रहे हैं। फैजान भाई, ये हमारे फैजान भाई हैं, साथ में हमारे जरी साहब हैं, जरी भाई हैं, फैजान भाई हैं। लेके आ गए तो जाना किधर है हमने? नूरी वाटरफॉल जाना है सर आज हमने। नूरी वाटरफॉल मुझे रास्ता समझा दे। ये अदनान भाई है हमारे, अदनान भाई का क्यों नहीं करेंगे जी? ये देखें अदनान भाई हमारे, यार देखें जी, ये अदनान भाई है। मेहरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जा रहा हूँ बस नूरी वाटरफॉल के साथ। ये हमारे फैजान भाई है। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। फैजान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिलाल भाई, ये हमारे जार भाई हैं, और ये हमारे हैं जेरी भाई। ये देखें जी, हमारे फरमान भाई यहाँ बैठे हुए हैं। उठे उठे, आजे 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 आजे। ये हमारा आज ग्रुप है जी, हम आज 8-9 लड़के हमारा, हम जो है वो नूरी वाटरफॉल जा रहे हैं अदनान भाई के साथ। तो ये हमारा तकरीबन 2 वीक हो गए हैं, प्लान बना हुआ था। तो हम मौसम को देख रहे थे, गर्मी हो जाए तो फिर हम जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर रास्ते में भी हम करते जाएंगे। तो बाकी फिर इंशाल्लाह वहाँ पे जाके हम अपना व्लॉग पूरा करेंगे। तो तकरीबन हमारा सारा ग्रुप अभी तैयार है, तो इंशाल्लाह हम आपको अभी वहाँ का विजिट भी कराएंगे और जाते हैं तो साथ में एंजॉय भी करेंगे, आपको भी शेयर करवाते हैं। तो चलें, हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका था और हमारे पास 3 बाइक थे, और गाड़ी ना ले जाने की वजह ये थी कि हम लोग वहाँ पर गाड़ी वहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी। जहाँ पर हम बाइक लेकर जा सकते थे वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो बस यूँ ही हम लोग जाते रहे, सफ़र हमारा गुजरता रहा। तो साथ आके चलते हैं, हमने 10-15 मिनट के लिए रास्ते में फिर स्टे किया, क्योंकि बाइक्स के ऊपर वेट ज़्यादा होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से हमने स्टे करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो अभी हमारा सफ़र जारी है, हम तकरीबन आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। तो ये तकरीबन से ना 50 से 55 किलोमीटर यहाँ से दूर है आबशार जो है। तो ये मैं आपको, ये नीचे सारा नीचे का व्यू, एक जगह हम रुके हैं ये अभी, बस वैसे स्टे करने के लिए थोड़ी देर के लिए, बाइक को रेस्ट हो जाए थोड़ा सा ना। तो उसके लिए हम लोग रुके हैं अभी अभी। तो साथ साथ अभी जाते हैं, आपको बाकी की लोकेशन भी बताते हैं। लाल भाई कुछ कहेंगे? नहीं, सफ़र बहुत बहुत प्यारा जा रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी दिनों के बाद, मैं तो यकीन करें कि 2-2.5 साल हो गए नहीं निकला है। तो आज अदनान भाई के साथ आज निकले हैं, और ये नीचे को गिना है, हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे व्यूज हैं और पानी प्यारा भी है। तो इंशाल्लाह अदनान भाई आज आपको लेके जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे। तो चले अभी टाइम जाया कि बगैर अभी चलते हैं। ये हमारे मेहरान भाई हैं, इनके पास जाना पड़ता है, ये खुद पास नहीं आएंगे। मैंने कहा आगे दूर से। तो व्यूअर्स, ये हम पहुंच गए हरिपुर गेट पे, खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर। तो अब हमारा सफर जारी है, अदनान भाई ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यू। ये हम मोनाल क्रॉस करें तो 10 से 15 किलोमीटर आगे गुजरें तो डाइनो वैली आती है। ये हम डाइनो वैली क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। डाइनो वैली क्रॉस करने के बाद हम गुजरेंगे यहाँ मखनियाल बाज़ार से। ये मखनियाल बाज़ार है यहाँ पे, ये इनका गांव है। रास्ते में तकरीबन 5-6 गांव आते हैं, मैं साथ कोशिश करूँगा कवर करने की, आपको दिखाता हूँ। मखनियाल बाज़ार क्रॉस करने के बाद हम फ़ैरोज़पुर के एक गांव से गुजरेंगे। फ़ैरोज़पुर के गांव से गुजरें तो आगे हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया फिर से, क्योंकि उतराई और चढ़ाई की वजह से हमारे बाइक्स के ऊपर काफ़ी लोड था, हमने स्टे करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ताकि हम हमारे रास्ते में सफ़र में किसी किस्म की कोई रुकावट ना पेश आए। जो जो हम लोग आबशार के करीब पहुंचते गए तो हम रास्ते में लोकेशन देखते गए, और वहाँ पर कई जगह पे हमने स्टे किया, और कुछ लोकेशंस ऐसी थी कि हमने काफ़ी वहाँ पर इंजॉय किया स्टे करके। यहाँ से स्टे करने के बाद फिर बिलाल भाई की थोड़ी सी तबीयत साफ़ होने वाली थी, तो मैंने उसकी तबीयत साफ़ करनी चाहिए, वो मैंने की। ये हमारे कुछ पुराने अदले बदले थे जो हमने एक दूसरे से लिए। तो ये वो वाला रोड है जो अगर हम मेन रोड से उतरें
तो इस सिंगल रोड पे हमें सफ़र करना होगा तकरीबन कोई आधा घंटा, जो कि आबशार की तरफ सीधा जाता है। आगे चलकर कुछ कच्चा रास्ता भी आएगा, वो भी मैं आपको चलकर दिखाता हूँ आगे जो जो हम जाएंगे। तो सफ़र हमारा फ़िलहाल अभी जारी था। ये रोड सिंगल होने के साथ साथ थोड़ी सी डेंजरस भी है, तो लिहाजा जो हजरात आएंगे वो लोग ज़रूर अपनी एहतियात खुद करें। तो अभी हम लोग नूरी आबशार पहुंच चुके हैं। ये अभी हम पार्किंग में खड़े हैं पार्किंग में, और जैकेट वगैरह हमने पहन ली है, और अभी ऊपर चलते हैं। अभी जाकर आप नज़ारा आपको भी दिखाते हैं। अभी साथ ये हमारा साथ ग्रुप जो सारा, अभी हमने बाइक्स पार्क की है। पार्क करने के बाद अभी कच्चे रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा तकरीबन 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलने के बाद आगे एक नदी आएगी चश्मा, और उस चश्मे से हमें चश्मा क्रॉस करने के बाद आगे नूरी आबशार वाटरफॉल आएगी। तो नदी क्रॉस करने के बाद हमने खाने पीने का फ़ैसला किया, और खाना हम ऑलरेडी एक कैटरिंग वाले से बनवा कर ऑलरेडी बनाया हुआ था, हम साथ लेकर आए थे। इधर देखें, ये हमारी यूनिट खाना खा रही है जी, देखें। जरी भाई, मेहरान, जार, बिलाल, पाजी, और ये हमारे अदनान भाई, ये देखें जी माशाल्लाह। और ये अब हम बैठे हैं खाना खाने, खाना खा के बस अब हम आगे जाएंगे झरने पर, और वो सामने आपको जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ पे अंदर झरना है इंशाल्लाह। तो अदनान भाई, क्या राय है आपकी? ये हम वाटर आबशार आए हैं, ये हम वाटर आबशार आए हैं। ये भाई चावल लेके भी हैं, चावल भैया, चावल अच्छे से जैसा भी है मेरे से। आप कहाँ से आए हो? इमाम बाबा की तरफ आए हो। हम एक इलाके से हैं, बहुत इन्जॉय हो रहा है भाई के पास। अनंत भाई अभी अभी रहेंगे आपको, अभी सब्सक्राइबर आ गए। अनंत भाई ऐसी मखलूक भी है हमारे पास। वो चलो रैंडम रैंडम था, अपना मुफ्त का फ्रेम एडजस्ट करके चला गया। और हमारे जरी भाई किधर हैं? ये हमारे फरमान भाई हैं जी। फरमान भाई आपका देखे जी, हमारा एक साथी गिर रहा जी। ये देखे जी, पा चली गया। तो फाइनली नदी क्रॉस करने के हम 5 मिनट बाद नूरी आबशार पहुंच चुके थे। तो ये वो जगह है जहां पहुंचने के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना सफ़र किया। कोई शक नहीं इस बात में कि जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शायद आपको कैमरे में कुछ अलग नज़र आ रही हो, लेकिन ये है कि अगर उसे हम रियल में देखें तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा रश और गहरा पानी होने की वजह से मोबाइल यहाँ पर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ज़्यादा देर में कैप्चर नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में रह जाएंगी, तो उसके लिए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे।
आपने हमारा सफ़र भी देखा और आबशार भी हमने आपको दिखाई। और ये अभी हम वापस जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत पथरीला है, वो सामने बिलाल भाई जा रहे हैं। और आप यहाँ पर आके बंदा इतना थक जाता है ना कि बस, मतलब बंदा अगर रिव्यू दे ना तो ये है कि अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई बच्चे हैं आपके साथ तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पर आएँ। लेकिन ये है कि जगह बहुत खूबसूरत है और आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, लेकिन ये है कि अपने बच्चे और बुज़ुर्ग जो है ना वो उनको ज़रा मशवरा दें कि ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है और बहुत मुश्किल रास्ता है यहाँ पे। तो ये था जो हमारा आज का व्लॉग, व्लॉग हमारा ख़त्म हो गया है और अदनान भाई गिर गए हैं, हमारे मेहरान साहब बैठे हैं, जारी भाई बैठे हैं, अदनान भाई कैमरा मारे इनकी तरफ, ज़रा आसमान पे नहीं जारी भाई की तरफ मारे, ये हमारे मेहरान साहब हैं, मेहरान भाई की तरफ देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार पा मेहरान भाई, अब क्या रिव्यू देना चाहेंगे व्लॉग के एंड में? टोटल के मार गए और कुछ जारी भाई आप क्या देना चाहेंगे? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, थोड़ा सा ऊंचा बोले हमारे, मज़ा आ गया, ओ मज़ा आ गया, व्लॉग ख़त्म। और नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।